हेलो विद्यार्थी मित्रों, आज हम पढ़ेंगे विषय हिंदी पाठ 15 आपकाज महाकाज का शब्दार्थ टिप्पण। यहाँ पे देखिए, काज का होगा काम, स्वयं का खुद, परंतु का लेकिन, भरोसा का विश्वास, काफी का बहुत, घाटा का नुकसान, गृह का घर, प्रसन्न का खुश, हेरा फेरी का, ठगी ठगा ठगाई, निगरानी का देखरेख। हेरा फेरी मतलब यहाँ पे हम मुहावरे देखेंगे, हेरा फेरी करना, इधर का माल उधर करना। जैसे कि अटल के दुकान पर सभी नौकर माल के हेरा फेरी कर रहे थे। यहाँ पे हम दूसरा देखेंगे स्वाध्याय। स्वाध्याय का हम प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले प्रश्न उत्तर नंबर एक, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला है, हानि कौन नहीं उठाता? जो अपना काम स्वयं करता है उसे हानि नहीं उठाना पड़ता। दूसरा है, लाभ किसे होता है? जो अपना काम खुद करता है उसे लाभ होता है। अटल ज्योतिषी के पास क्यों गया? अपनी ग्रह दशा ठीक कराने के लिए वह ज्योतिषी के पास गया। चौथा है, अटल की बात सुनकर ज्योतिषी ने क्या किया? अटल की बात सुनकर ज्योतिषी ने एक कागज में लिख कर कुछ दिया। अटल ने दुकान पर जाकर क्या किया? अटल ने दुकान पर जाकर देखा कि नौकर सारे सामान की चोरी कर रहे हैं। रसोई में पहुंचकर अटल ने क्या देखा? रसोई में पहुंचकर अटल ने यह देखा कि नौकर रसोई का सामान चुरा रहे थे। नौकरों को किसने डांटा? नौकरों को अटल ने डांटा। प्रश्न उत्तर नंबर दो, पहला है, अटल ने अपनी पत्नी को बुलाकर क्या कहा और क्यों? अटल ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा कि तुम नौकरों पर निगरानी रखो, क्योंकि वे रसोई का सामान चुरा रहे थे। अटल नौकरों पर नाराज क्यों हुआ? अटल नौकरों पर नाराज इसलिए हुआ कि वो दुकान के सामान चोरी कर रहे थे। सेठ कहाँ रहता था? सेठ कोलकाता में रहता था। उनकी मृत्यु के बाद कामकाज की जिम्मेदारी किस पर आ पड़ी? अटल पर आ पड़ी। प्रश्न उत्तर नंबर तीन, कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, सेठ हीरालाल का पुत्र अटल बहुत आलसी लड़का था। यहाँ पे क्या आएगा? आलसी। दूसरा है, दिन दूनी रात चौगनी, खाली जगह यहाँ पे आएगा, मेहनत करने के बाद भी व्यापार में घाटा होने लगा। तीसरा है, अपनी ग्रह दशा ठीक कराने के लिए अटल ज्योतिषी के पास पहुंचा। यहाँ पे आएगा, ज्योतिषी के पास पहुंचा। चौथा है, अटल वह मंत्र पाकर, यहाँ पे क्या आएगा? मंत्र पाकर बहुत खुश हुआ। प्रश्न पांच है, अपना काम स्वयं करने से उसे हानि के स्थान पर लाभ हुआ। किसको? अटल को। अभी हम निम्नलिखित प्रश्नों के समानार्थी शब्द लिखिए। यहाँ पे देखेंगे, पहला, स्वयं का अर्थ होगा खुद, हानि का होगा नुकसान, लाभ का होगा फायदा, कठिनाई का होगा परेशानी, और धनी का अमीर, पुत्र का बेटा, मृत्यु का मरण, साल का वर्ष, और मेहनत का परिश्रम, प्रसन्न का खुशी। तो हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।